हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्लास असाइनमेंट। फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ अ कंपनी, बजट एंड एक्चुअल, आउटपुट इन यूनिट्स, आवर्स, ओवरहेड्स, फिक्स भी दिया है, वेरिएबल भी दिया है। आपको ये दोनों दे दिया, आप क्या करेंगे? फिक्स अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो, वेरिएबल अलग की तरह। ठीक है, आप कहेंगे उनके लिए आवर्स और यूनिट्स और कॉमन हो गए, बट अदरवाइज इट्स एज गुड एज सेपरेट क्वेश्चंस। नंबर ऑफ डेज भी दिया है। कंप्यूट एंड एनालाइज द ओवरहेड्स वेरिएंसेस। हाँ, वेरिएबल का करते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल। क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड दिया है 6000 के लिए, एक्चुअल ने बनाया कितना है? 6500। रिवाइज करना पड़ेगा। शुरू करिए भाई। फर्स्ट पार्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स। सो वी कैन से गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर 6000 यूनिट्स, और 6000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स क्वेश्चन ने दिए हुए हैं? 3000 आवर्स। हाँ, वेरिएबल की रेट पर आवर कितनी है? आप कहेंगे वो कैसे निकालें? तो देखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स बजट पे कितने दिए हुए हैं? 6000 रुपये के दिए हुए हैं, और 3000 आवर्स के लिए 6000 रुपये हैं, तो पर आवर कितना हो गया भाई? 2 रुपीज़। मैं इसको जान करके 6000 अपॉन 3000 लिख रहा हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड, आप कहेंगे अगर 6500 यूनिट्स हमने बनाए हैं तो कितने आवर्स में काम होना चाहिए था? 6000 के लिए अगर 3000 आवर्स अलाउड है तो 6500 के लिए इट विल बी 3250 आवर्स। रेट पर आवर इज 2 रुपीज़, सो टोटल कम्स टू 6500। अच्छा, अदर वे राउंड, 6000 यूनिट्स पे वेरिएबल ओवरहेड 6000 रुपीज़ है, मतलब एक यूनिट का 1 रुपया हुआ, तो 6500 पे अपने आप ही 6500 ही आएगा। और ये क्या बना आर से माता बच्ची करके कुछ भी किया, बट फाइनल आंसर तो वही आने वाला है। एंड देन एक्चुअल में ये 6500 यूनिट्स बनाने में हाउ मेनी आवर्स वर टेकन? 3300। एंड व्हाट वाज द एक्चुअल ओवरहेड्स वी पेड? 6650। द एक्चुअल रेट कम्स टू 6650 अपॉन 3300। ठीक है भाई। नाउ वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, एग्ज़ाम में तो याद रखिएगा फॉर्मूला लिख के ही करना है। अब मेरे हिसाब से अब तो याद हो गए होंगे। ठीक है, हाँ, वेरिएबल ओवरहेड्स का दूसरा वेरिएंस कौन सा निकलता है भाई? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर मतलब जस्ट लाइक लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट पर आर 2 रुपीज़, एक्चुअल रेट 6650 अपॉन 3300 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स 3300। It comes to 50 adverse. Then variable overheads, efficiency variance. 3250 is standard hours allowed for actual production. लेकिन हमको 3300 hours लग गए, 50 घंटे ज़्यादा लग गए, 2 rupees per hour के हिसाब से 100 adverse. ठीक है, नाउ वेरिएबल का काम खत्म हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड्स,
फिक्स्ड ओवरहेड्स में विल से बजट या स्टैंडर्ड कह दो एंड एक्चुअल। और मैंने कल आपको कहा था चार चीज़ें चाहिएगी अपने को, क्या क्या चाहिएगा बोलो भाई। सबसे पहले ओवरहेड्स, फिर यूनिट्स, उसके बाद डेज, उसके बाद आवर्स। इसको सीक्वेंशियली याद करो, थोड़ा फ़ायदा रहेगा, वेरिएंस में भी थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो रहेगा दिमाग में। हाँ, बजटेड ओवरहेड्स फिक्स वाले कितने थे भाई? 1200। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1250। बजटेड यूनिट्स वर 6000, एक्चुअल यूनिट 6500। बजटेड डेज 25, एक्चुअल डेज 27। बजटेड आवर्स 3000, एक्चुअल आवर्स 3300। ना एब्जॉर्प्शन रेट, हाँ जी, पर यूनिट आप कहेंगे 1200 रुपये है और 6000 यूनिट्स हैं, 0.2 पर आर, 1200 रुपीज़, 3000 आवर्स, 0.4 पर डे, यू से 1200 रुपीज़, 25 डेज, कितना? 48। और एक और निकाल लेते अपन, क्या स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? आप कहेंगे तीन कितने यूनिट्स बनाए अपन ने? 6500 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने में हाफ एन आवर लगता है। हाँ, ये हाफ एन आवर कहाँ से लाए कि 3000 आवर्स में 6000 यूनिट बनते हैं? एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगता है, तो अगर 6500 यूनिट बनाए हैं, कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 3250 आवर्स। अब ऐसे अपने निकाला हुआ भी है, ये रहा वेरिएबल में रिवाइज स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड चाहे लेबर का हो चाहे वेरिएबल का हो रेट्स का हो, रिवाइज स्टैंडर्ड वाले आवर्स, मैंने वो इक्वेशन लिखवाई थी, एक्चुअल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ, एक्चुअल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, इट इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड रिक्वायर्ड, जो भी आप कहेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए, रिवाइज स्टैंडर्ड में वही आवर्स होते हैं। हेलो भाई, हाँ, सबसे पहला वेरियंस का नाम बोलिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरियंस, हाँ, कैसे निकालते हो भाई? ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। सो इन दिस क्वेश्चन विल से 6500 यूनिट्स बनाए, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 20 पैसे है, या एक्चुअल आउटपुट पे इतना एब्जॉर्ब हुआ, खर्चा कितना लग गया? 1250 रुपये। कितना? 50 फेवरेबल भैया, 1300 हो गया, 1300 के सामने 1250 ही स्पेंड किए, 50 फेवरेबल। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ, इट इज बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। 1200 रुपये की जगह 1250 का एक्सपेंडिचर कर दिया, 50 एडवर्स। फिर कौन सा वेरिएंस है भाई? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम इज बजटेड आउटपुट प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाई एब्जॉर्प्शन रेट। आप कहेंगे हमको तो 6500 यूनिट ही बनाने का था, हमने तो 6500 यूनिट बना दिए, उसी खर्चे में 6000 के बजाय 6500 यूनिट बना दिए, 500 यूनिट ज़्यादा बना दिए, रेट पर यूनिट 20, मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर एब्जॉर्प्शन मीन्स फेवरेबल, ओके, वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ, कैलेंडर भी निकलेगा क्या भाई? वॉल्यूम के तीन पार्ट है, आपके यहाँ डेज है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस, इट इज बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर डे हो जाएगी। 25 की जगह 27 दिन काम हुआ है, 2 दिन ज़्यादा, तो मोर एब्जॉर्प्शन मीन्स फेवरेबल, कितना? 96 फेवरेबल।
देन कैलेंडर के बाद में कौन सा होता है भाई, कैपेसिटी वेरिएंस। विल से बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई एब्जॉर्प्शन रेट। सो बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज, आप कहेंगे 3000 आवर्स तो 25 दिन में होने वाले थे, डेज ही 27 हो गए, तो इतने आवर्स तो बढ़ ही गए, और हमने 3300 आवर्स काम किया, रेट पर आवर 40 पैसा है। हाँ, 25 की जगह 27 होते ही कितने आवर्स हो गए भाई, 3240, जबकि हमने 3300 आवर्स काम किया, मतलब जितनी कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा यूज़ की, मीन्स फैक्ट्री में ओवर टाइम किया होगा, वो किया होगा, मोर प्रोडक्शन मोर एब्जॉर्प्शन फेवरेबल, कितना 24 फेवरेबल। इन द लास्ट वन फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आप कहेंगे 3250 घंटे में काम हो जाना चाहिए था, अपने को 3300 घंटे लग गए, 50 घंटे ज़्यादा लग गए, नुकसान हुआ 20 रुपये एडवर्स। हाँ चेक कर लो भाई, 96 फेवरेबल, 24 फेवरेबल, 20 एडवर्स, शुड मेक इट 100 फेवरेबल। ठीक है जी, होमवर्क वाले क्वेश्चंस हो गए सारे, एक कुछ एक दो में प्रॉब्लम। चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 12th के जैसा ही है, आउटपुट आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, वर्किंग डेज, तो सेम ऐसे ही कर लेना। 13th क्वेश्चन, चलिए उससे पहले इसी को लेकर के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। आई फिनिश्ड एवरीवन, हाँ जी फिनिश्ड। अच्छा, वो आगे थ्योरी में वो सारे फॉर्मूले लिख दिए भाई, वो जो टेबल चार्ट बना हुआ था उसमें सब जगह मैंने कहा था मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स में, वो फिल इन द ब्लैंक्स कर देना, चार्ट बना हुआ है उसके नीचे जगह है, वहाँ पे वो फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, हाँ वैसे तो थ्योरी में भी सब जगह फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बट अपने हाथों से लिख लो तो। हाँ, और ऐसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्चुअली याद कर लीजिए, फॉर्मूलों की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम भले फॉर्मूला याद नहीं है आपका, यहाँ वेरियंस कैसे निकालना है वो आता है, वो लिख के फिर फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूला उल्टा भी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर एडवर्स फेवरेबल सही होना चाहिए, आपने चाहे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल लिखा चाहे एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लिखा, फेवरेबल एडवर्स शुड बी लॉजिकली करेक्ट। ओके, हाँ अब कल मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, मान लो क्वेश्चन में डेज नहीं हो, ओके, तो उस केस में आप कैलेंडर वेरियंस तो निकालोगे ही नहीं, और उस केस में कैपेसिटी वेरियंस भी ये नहीं निकलेगा,
फिर कैपेसिटी वेरियंस सीधा क्या निकालोगे, बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, क्योंकि फिर आप बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज निकाल ही नहीं सकते, तो सीधा कैलकुलेशन क्या करोगे, 3000 माइनस 3300 मल्टीप्लाइड बाई 40 पैसा 120 फेवरेबल। ये जो आंसर आएगा ये आपका जो अभी कैलेंडर और कैपेसिटी वेरियंस अलग अलग आ रहा है हमेशा उसका टोटल ही होगा, मीन्स वो जो रिकन्सिलेशन वाली प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं आने वाली है। अभी वॉल्यूम वेरियंस के तीन कंपोनेंट है, कैलेंडर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, फिर दो रह जाएंगे कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, इट विल ऑलवेज मैच। ओके, अब सपोज किसी क्वेश्चन में ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी दी नहीं कि कितने यूनिट्स बनाए, तो ये भी नहीं निकलेगा। अब बाकी सब है, ओवरहेड्स हैं, डेज हैं, आवर्स हैं, यूनिट्स नहीं है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में देख लिया आपने यूनिट्स ही नहीं है। आप कहेंगे अरे अब कैसे वेरियंसेस निकालेंगे, हाँ भाई कोई आइडिया? हाँ कौन से आर्स, ये वाले आर्स, इससे यूनिट्स निकल जाएंगे, वो भी नहीं दिया हुआ है यूनिट्स, वेरियंस तो सारे के सारे चाहिए मेरे को। चलो एक 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 मिनट रुकिए, वी कम बैक टू दिस क्वेश्चन ओनली। ये वेरिएबल ओवरहेड्स में देखिए अपन ने रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया 6500 यूनिट्स, 3250 आवर्स प्रपोर्शनेटली निकाल लिए। अच्छा मैंने आपको कहा था अगर वेरिएबल ओवरहेड 6000 यूनिट्स पे 6000 रुपये का ओवरहेड्स है, मतलब पर यूनिट कितना हुआ, 1 रुपया, तो ये भी 1 रुपया ही आ रहा है, वो अलग बात है। अपन ने आर्स निकाले फिर उससे ये निकाला, हाँ घूम फिर के आंसर सेम ही आना है, कारण 6500 यूनिट्स के लिए। हाँ ये आर्स कहाँ से लाए अपन, 3250 कैसे निकाले? आपने कहा कि अगर 6000 यूनिट्स बनाने के लिए 3000 चाहिए तो 6500 के लिए प्रपोर्शनेटली 3250, क्योंकि एक यूनिट आधे घंटे में बन जाता है। ओके तो आप समझिए पर यूनिट रेट कितनी है, 1 रुपया, पर आर रेट कितनी है, 2 रुपये। अच्छा आंसर सेम आना है, पर यूनिट रेट 1 रुपये है, पर आर रेट 2 रुपये। क्यों पर आर रेट 2 रुपये, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लग रहा है, मतलब ये हाफ हुआ तो रेट क्या हो गई, डबल हो गई। ये मैंने यहाँ पे भी कहा था ये 20 पैसा है ये 40 पैसा है, क्योंकि एक यूनिट आधे घंटे में बन रहा है, तो यानी कि आधे घंटे की रेट हुई इफेक्टिवली, तो 1 घंटे की रेट 40 पैसे हो गई। ओके हाँ, क्या ये एक्चुअल में भी मैच करता है क्या, एक्चुअल में जो 6500 यूनिट मैंने बनाए, हाँ ये रेट और ये रेट प्रपोर्शनेटली मैच करती है क्या? आ गए नहीं, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कारण ये एक्चुअल आर्स एक्चुअल रेट सब अपने अपने तरीके से चलती है। आप कहेंगे ठीक है 6500 6650 वन पॉइंट समथिंग आया, पर ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं कुछ और ही है, मतलब इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, मीन्स एक्चुअल से मैं कुछ भी कोरिलेट नहीं कर सकता। बट स्टैंडर्ड में ऑफकोर्स वी नो कि अगर पर यूनिट रेट 2 रुपीज़ है और एक यूनिट अगर आधे घंटे में बनता है पर आर रेट 4 रुपीज़ होगी, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी प्रपोर्शनेटली सेम। अब सुनो भाई, अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें यूनिट्स नहीं थे, फिर भी अपन ने वेरियंस निकाले थे। फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, किसमें किया था, बिना यूनिट्स के ही अपन ने लेबर में किया था। कौन सा वाला क्वेश्चन था वो, क्या था उसमें दिया हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड उसकी इक्वेशन लिखवाई थी मैंने। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको कह सकते हो एक्चुअल आउटपुट किसकी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आर्ट्स की लैंग्वेज में,
भाई जरूरी थोड़ी है एक्चुअल आउटपुट हमेशा आपको यही दिया हो 5,000 यूनिट बनाए। क्वेश्चन कहते हैं एक्चुअल आउटपुट 5,000 आर्स के बराबर काम किया, ठीक है कुछ तो देगा। तो अब सुन लो भाई सब लोग ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया कोई बात नहीं, अगर उसका ये रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट का मैंने आपको कहा था रिप्रेजेंटेटिव कौन है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन से मैं हटा दूं ये नहीं है साहब, हाँ ये दे देता हूँ आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या रिवाइज स्टैंडर्ड बन जाएगा, बन जाएगा, एक्चुअल तो है ही दिया हुआ। यहाँ पे भी मैं आपको कह दूँ स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 3,250 आवर्स, हाँ एक्चुअल तो मैं नहीं देता। हाँ तो क्या अब इससे मैं मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरियंसेस निकाल सकता हूँ क्या, दैट आई नीड टू नाउ एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। समझिए यूनिट्स नहीं है ना, तो बजेटेड यूनिट्स है ना एक्चुअल यूनिट्स है, यूनिट्स नाम का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दे दिया स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हाँ लेकिन ये नहीं दिया है कि एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं या आधा घंटा लगता है। तो आप कहेंगे ठीक है उससे निकाल लेंगे ना, मान लो क्वेश्चन कह दे एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगता है, तब तो आप कहेंगे फिर क्या है 3,250 घंटे के बराबर अगर काम हुआ है तो मैं इससे एक्चुअल यूनिट निकाल लूँगा 6,500, और अगर एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगता है तो ये बजटेड अगर 3,000 था उससे भी बजटेड यूनिट्स निकाल लूँगा, फिर तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये भी नहीं दिया आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, हाँ एक तरीका और भी आप कहेंगे मान लेते हैं एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो उस केस में 3,250 से क्या आ जाएगा, एक्चुअल यूनिट आ जाएंगे, और इससे क्या आ जाएगा, बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे। ये कर ही सकते हो, फिर तो आप कहेंगे ठीक है, आप कहेंगे लेकिन ये तो पहले 6,000 थे ना, वो तो अपने क्वेश्चन में मालूम था, इसलिए आप कहेंगे अब इससे फिर होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये 1,200 डिवाइडेड बाई, अब पहले 6,000 कर रहे थे 3,000 करेंगे क्या हो जाएगा। अब देखिए एक यूनिट को अगर 1 घंटा लगता है तो एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट और पर आर क्या होगी, सेम ही तो होगी, अलग अलग कहाँ से आएगी। पर यूनिट पर आर में डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि एक यूनिट को टाइम कम या ज़्यादा लगता है, अगर टाइम सेम 1 आर है पर यूनिट पर आर रेट वुड बी ऑलवेज सेम। अब आप कहेंगे ठीक है साहब शुरू करते हैं, अमाउंट एब्जॉर्ब ऑन एक्चुअल आउटपुट, हाँ आप कहेंगे 3,250 यूनिट इंटू 40 पैसे माइनस 1,250 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक्सपेंडिचर आया भाई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप कहेंगे बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई 40 पैसा आ गया, जो भी है आ गया ना, हाँ ये आ गया, मतलब ये तो आया भाई है कुछ करना नहीं। हाँ ये तो पहले वाला ही फॉर्मूला है, कोई तकलीफ नहीं, आर्स तो पहले भी थे ही, ठीक है कर लिया। एफिशिएंसी में तो यही चाहिए होता है और ये है ही, ये भी हो गया। कौन कितने वेरियंसेस में अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, दो में चेंज हुआ, एक कॉस्ट वेरियंस में और एक वॉल्यूम में, बाकी में तो आप कहेंगे हमको यूनिट्स वैसे भी नहीं चाहिए थे, और आप कहेंगे नहीं भी था तो हमने यूनिट्स निकाल लिए ना, अब अपन खुश हो रहे हैं यूनिट्स निकाल लिए, 1 यूनिट 1 घंटा। अब मैं कह दूँ इसको यूनिट्स में नहीं आर्स में ही बात करो, तो बताओ ये वाले कौन से आर्स हैं 3,250, ये मैं यूनिट नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ नहीं नहीं इसको आर्स में ही बोलो, ये कौन से आर्स हैं 3,250, ये 3,250 कौन से आर्स हैं, कौन से आर्स हैं, एक्चुअल आर्स हैं बजटेड आर्स हैं कौन से आर्स हैं, एक्चुअल आर्स हैं, एक्चुअल स्टैंडर्ड आर्स कैसे होते हैं भाई, आपने तो ये नेम का मिक्स वेरियंस कर दिया। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ओके तो ये मैं ये कह सकता हूँ दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स, ज़्यादा एल्म से दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ओके फाइन। ये 3,000 यूनिट्स नहीं, अब आवर्स में पूछ रहा हूँ कौन से आवर्स हैं, ये 3,000 कौन से आवर्स हैं, ये बजटेड आवर्स, और 3,250 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है बस। तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, यहाँ पे बजटेड
hours minus standard hours for actual production into absorption rate. कुल मिला के मेरे कोई assumption लेने की जरूरत किधर है? एक यूनिट को एक घंटा लगता है. फॉर्मूले का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, जहां एक्चुअल आउटपुट था उसके आगे प्रीफिक्स कर दिया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. या ये कह दूं वापस से, एक्चुअल आउटपुट नहीं है आप कहीं, कोई बात नहीं, उसका रिप्रेजेंटेटिव बुला के लाओ. और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है इस चैप्टर में? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दे आर मेड फॉर ईच अदर. हाँ, एक्चुअल आउटपुट का रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल आवर्स नहीं है. एक्चुअल आवर्स में तो कैलेंडर का इफेक्ट है, कैपेसिटी का इफेक्ट है, एफिशिएंसी का इफेक्ट है. आप कहेंगे एकदम उसके लायक वाला कौन सा आवर्स है, वो एक्चुअल आवर्स नहीं है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. मीन समझिए, जिस जिस फॉर्मूला में एक्चुअल आउटपुट चाहिए था मेरे को, मैं वहां पर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दूं, ठीक है, आंसर विल बी ऑलवेज सेम. रीजन, ये 6500 × 20 पैसे था. अच्छा, यूनिट्स के सामने स्टैंडर्ड आवर्स विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड. एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स का रिलेशनशिप वो आधे घंटे वाला होगा ही नहीं, ठीक है. इक्वेशन में ही दिख रहा है कि 6500 यूनिट बनाए और 3300 लगे, जबकि होने कितने चाहिए थे 3250. ये क्यों फर्क आया? आप कहेंगे कैलेंडर है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, सो मेनी डिफरेंसेस. तो एक्चुअल आउटपुट की जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव बार बार याद रखिएगा, एक्चुअल आउटपुट की जगह एक्चुअल आवर्स कभी नहीं होएगा, इट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. मीन्स वो थोड़ा सा प्रीफिक्स कर दिया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया. वॉल्यूम वेरियंस, बजटेड आउटपुट की जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव बजटेड आवर्स, एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एंड अगेन यू गेट द वेरियंस. तो अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं है, आप कहें कोई बात नहीं, नहीं चाहिए हमको, उसका रिप्रेजेंटेटिव जरूर दे देना. हाँ, अब आप कह दो ये भी नहीं हो तो, ये भी नहीं हो तो बड़ा आराम हो गया. फिर तो हम यही मानेंगे कि जो एक्चुअल आवर्स हैं वही, मतलब उसने कोई गड़बड़ नहीं की, बिल्कुल सब बराबर काम किया, एफिशिएंसी वॉज परफेक्ट, ठीक है. और जब ये मान लूँगा तो फिर थोड़े वेरियंसेज में चेंज आ जाएगा, फिर एफिशिएंसी वेरियंस जीरो हो जाएगा. क्यों? आप कहेंगे स्टैंडर्ड आवर्स भी 3300, एक्चुअल आवर्स भी 3300, और जितना ये जीरो होकर के इफेक्ट आएगा वो आपके इसमें कॉस्ट वेरियंस और वॉल्यूम वेरियंस में भी इफेक्ट आ जाएगा, मतलब मैच हो जाएगा. पर फिर अजम्पशन क्या हो गया कि हमारी स्पीड में, एफिशिएंसी में कोई गड़बड़ नहीं थी, ओके. बट अदरवाइज अगर ये अवेलेबल है तो आप कहेंगे ठीक है, उसकी जगह इसको काम में ले लो एंड इट वुड बी ऑल डन, ठीक है. अंडरस्टूड? देखिए क्वेश्चन 16. फिगर आउट ओवरहेड्स कॉस्ट बजट वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एक्चुअल आवर्स टेकन फॉर प्रोडक्शन 4130, बजटेड ओवरहेड्स फॉर 4000 आवर्स वर 8000 रुपीज. हाँ, तो बजटेड ओवरहेड्स 8000, बजटेड आवर्स 4000, मतलब रेट पर आवर कितनी हो गई? 2 रुपीज. ओवरहेड्स रिकवर्ड, आप कहेंगे रिकवर्ड का मतलब क्या होता है भाई? सुन लो भाई, रिकवर्ड, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ऑल वन एंड द सेम. तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड किस पे? ऑन स्टैंडर्ड आवर्स बेसिस, मतलब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ये क्वेश्चन ने आपको दिया है कितना एब्जॉर्ब हुआ? 8130. हाँ, अगर ये वाला अमाउंट 8130 है, रेट पर आर अपने को मालूम है 2 रुपीज है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा? 4065 आवर्स. क्वेश्चन ने क्या किया, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए, क्वेश्चन ने कह दिया ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स 8130. अच्छा, आप ये 2 रुपये कहाँ से लाए भाई? अपन रेट बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स से लिया है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट के लिए कितना टाइम चाहिए था? 4065 आवर्स. एक्चुअल ओवरहेड्स वाज 8044. हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए यूनिट्स आपको नहीं दिए हुए हैं, ठीक है. तो अब जब हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे,
हाँ शुरू करो भाई, नोट क्या वापस फॉर्मूले लिखेंगे ना। हाँ वही बजट एक्चुअल। अरे तो आप भी ऐसा व्हाइट बोर्ड खरीद लो, इसमें क्या हो गया। हाँ एक आईपैड खरीद लो, उसमें लिखते जाओ, तो इज गुड आइडिया। हाँ और उसमें तो काटा पीटी भी करोगे तो रबर का सिस्टम भी होता है। हाँ बस वही है, कभी कोई वायरस आ जाए तो वेरिएंस कुछ और ही दिखाएगा वो। हाँ देखिए भाई, बजट एंड एक्चुअल, ओरेट्स बजटेड वॉज 8,000 रुपीज़, एक्चुअल 8,044। यूनिट्स आप कहेंगे नहीं दिया हुआ है, हम फिर भी लिखना अपने को ताकि प्रैक्टिस हो ही रहे। डेज नहीं दिया हुआ है। आवर्स, हाँ बजटेड आवर्स वर 4,000, एक्चुअल आवर्स वर 4,130। अब एब्जॉर्प्शन रेट पर आर ही निकल लूँगा, या तो सीधा 8,000 डिवाइडेड बाई 4,000, इट कम्स टू ₹2। हाँ पर डे है नहीं, पर यूनिट है नहीं। हाँ अब एक अपन और निकाल लेते हैं, क्या भाई स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ भी लिखिए। हाँ तो आप कहेंगे यार ये भी नहीं दिया हुआ है, पर समझिए ओवर हेड्स एब्जॉर्ब्ड दिए हुए। कितना 8,130 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर आर कितनी है ₹2, तो इससे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगा 4,065 आवर्स। ठीक है तो आप कहेंगे बस बहुत है, यूनिट्स नहीं है कोई बात नहीं। हाँ डेज नहीं है तो आराम हुआ, कैलेंडर निकालना ही नहीं। हाँ ये नहीं यूनिट्स नहीं है तो वॉल्यूम ही नहीं निकालना, कॉस्ट ही नहीं निकालना। ठीक है बिना कॉस्ट वेरियंस के तो शुरुआत ही नहीं होगी। और जब आप कैपेसिटी एफिशिएंसी निकालोगे, हाँ ये दो दो निकालोगे तो वॉल्यूम भी होना ज़रूरी है। हाँ वैसे तो आप कहेंगे दूसरा रास्ता करते हैं ना, एक काम करते हैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, कैपेसिटी निकाल लेता हूँ, उनकी जोड़ वॉल्यूम हो जाएगी, फिर एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, उनकी जोड़ कॉस्ट वेरियंस हो जाएगी, वो तो लास्ट में रीचेक करने के काम आएगा ही। पर अपने पास सीधा फॉर्मूला तो होना ही चाहिए कि हाँ सीधा कैसे निकालना है। शुरू करो भाई, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरियंस अमाउंट एब्जॉर्ब्ड ऑन, क्या लिखूंगा इधर मैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। सो हियर आई विल से 4,065 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹2 पर आवर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4,044। हाँ खर्चा कम किया है भाई, कितना? हाँ तो यही लिखा ना। अच्छा 86 फेवरेबल, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ ये तो बेचारा सीधा साधा है, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 44 एडवर्स। वॉल्यूम वेरियंस,
आप कहेंगे बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। आप कहेंगे अरे आउटपुट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, बजटेड आउटपुट की जगह, हाँ ये जान करके वापस से लिखिएगा, बजटेड आर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट का रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। तो बजटेड आर्स वर 4000, स्टैंडर्ड आर्स वर 4065 इनटू 2 रुपीज़, 130 फेवरेबल। हाँ क्योंकि बजटेड आर्स से ज़्यादा काम हुआ इसलिए फेवरेबल। कैपेसिटी वेरिएंस, बजटेड आर्स, हाँ अभी एक्चुअल डेज वाला तो झंझट है नहीं, सो बजटेड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड आर्स 4000, एक्चुअल आर्स वर 4130 इनटू एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 2 रुपीज़, 260 फेवरेबल। ठीक है, लास्ट एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यू विल सी 4065, एक्चुअल टाइम टेकन 4130, 65 घंटे खराब कर दिए, 130 एडवर्स। यस हो गया भाई, फिनिश्ड। पेज नंबर 50, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है भाई? ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, हाँ इसके नीचे, और हाँ दूसरा फार्मूला लिख लो, हाँ कॉस्ट वेरिएंस पेज 50 में जो लास्ट फार्मूला है उसके नीचे ये वाला फार्मूला, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल ओवरहेड, सो ये दूसरा अल्टरनेट फार्मूला हुआ। अगले पेज पे वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होगा, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स, हाँ उसकी जगह लिख लो भाई, बजटेड आर्स माइनस, हाँ एक्चुअल यूनिट्स की जगह कभी भी एक्चुअल आर्स नहीं आएंगे, ये समझ लो उनमें तो झगड़ा ही है, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो बजटेड यूनिट्स की जगह, इधर नहीं, इधर नहीं भाई, किधर लिख रहे हो, एक्सपेंडिचर वेरियंस में लिखना है, सॉरी वॉल्यूम में, आप एक्सपेंडिचर में लिख रहे हो, बजटेड यूनिट्स की जगह बजटेड आर्स और एक्चुअल यूनिट्स की जगह स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, हम पेज 52 में स्पेस फॉर नोट्स में लिख लो, If actual output is not given, अगर किसी क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ वही नहीं दिया हुआ है,
then we can use its representative, we can use its representative inverted commas mein standard hours allowed for actual output, standard hours allowed for actual output. तो अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, उसका रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट वो काम में लिया जा सकता है. चाहे अपन मटेरियल की बात करें, लेबर की बात करें, वेरिएबल की बात करें, फिक्स की बात करें, हर जगह लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स में तो क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड वाले यही तो आर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. अच्छा, अपने कोई गिवन स्टैंडर्ड काम आता है क्या लेबर वेरिएबल में? खाली लिखते हैं काम, तो रिवाइज स्टैंडर्ड ही आता है, गिवन स्टैंडर्ड का कोई यूज़ ही नहीं है, वो तो खाली मल्टीप्लाई करने के काम आता है. तो अगर सीधा मेरे पास रिवाइज स्टैंडर्ड के आर्स अवेलेबल हैं, आप कहेंगे बस और क्या चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी यूनिट्स नहीं है, स्टैंडर्ड आर्स अवेलेबल हैं, ये सीधा कैलकुलेशन जहाँ जहाँ एक्चुअल आउटपुट था उसको हटा करके क्या लिख दो, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, वी कैन यूज इट रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, that is in case of labor variable overheads fixed overheads, labor variable overheads fixed overheads. क्वेश्चन का रेफरेंस लिख सकते हो बोले, क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ने काम लिया, क्वेश्चन नंबर 16 में काम लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वी हैव अ कॉन्सेप्ट, बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड वी हैव सम बजटरी कंट्रोल रेशियोज. ओके, लेकिन वो उस चैप्टर में नहीं करके मैं यहीं कराऊंगा. हैं, क्या हुआ? कोई बात नहीं भाई. क्या? हाँ, तो मैं अभी करा रहा हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? किताब में तो सॉल्यूशन भी नहीं है, फिर मैं कराता ही हूँ ना. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, सो वी हैव अ चैप्टर ऑन बजटरी कंट्रोल. ओके, हाँ, इस किताब में नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम. एंड उसमें वी हैव सम बजटरी रेशियोज. ओके, अब वो रेशियोज कौन कौन से हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, वो वैसे उस चैप्टर का पार्ट है, बट इट इज़ वेरी रेलिवेंट हियर. ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरियंस निकाले हैं ना, बस इसी को मॉडिफाई करके रेशियोज का नाम दिया हुआ है. ओके, मीन्स इन दैट चैप्टर यू लर्न अबाउट कैलेंडर रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो. तो ये जो कैलेंडर वेरियंस, कैपेसिटी वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस था, उसी को अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं, 130 रुपये, ये वो रेशियोज में हमेशा परसेंटेज टर्म्स में बात होती है, 80%, 90%, 110%, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज द रेशियो. तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होकर के रिलेटिव टर्म्स में हो गया, और वो रेशियोज कहलाते बजटरी रेशियोज हैं. कारण, बजट और एक्चुअल में क्या फ़र्क हुआ? अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स में अपन वर्ड बार बार क्या यूज़ कर रहे हैं, बजट, एक्चुअल. आप कहें बजट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट स्टैंडर्ड? आप स्टैंडर्ड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बजट वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों? बजट हमेशा एक पीरियड का बनाया जाता है, एक साल का, एक महीने का, छः महीने का, वॉट रेट में भी. तो जो भी चीज़ पीरियड से रिलेटेड होती है, इसलिए हम उसका नाम कई बार क्या दे देते हैं, बजट. और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए वर्ड इसमें क्या यूज़ कर लिया जाता है, बजट. तो अब फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड जो हम वेरियंसेज निकालते हैं, वही अगले चैप्टर के लिए क्या है, बजटरी रेशियोज. और ब्रॉडली चार रेशियोज हैं. ओके, ये जो वॉल्यूम वेरियंस है, ठीक है, यहाँ से रेशियोज शुरू होते हैं, इसका नाम वहाँ पर लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो है. फिर अपना एक कैलेंडर वेरियंस था, हाँ, इस क्वेश्चन में तो था नहीं, उसका नाम वहाँ पर क्या है, कैलेंडर रेशियो.
कैपेसिटी का कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो बेसिकली वी कॉल इट एज, और एफिशिएंसी का वहां पे नाम है एफिशिएंसी रेशियो। ओके, तो ये रेशियोज बजटरी रेशियोज हैं। हाँ, बाकी तो कोई भी नया रेशियो भी आप बना लो, कोई मना तो है नहीं भाई। रेशियो इज जस्ट रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। आप कोई भी दो वेरिएबल उठा करके रेशियो बना सकते हो, बट ये चार रेशियोज का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तीन रेशियोज हमेशा किसके बराबर होंगे? लेवल ऑफ एक्टिविटी के बराबर। कारण वॉल्यूम वेरियंस वॉज इक्वल टू कैलेंडर प्लस कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी रेशियो में लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो इक्वल्स टू कैलेंडर इंटू कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी। अगर ये इंटू कैसे हो गया? प्लस नहीं होगा क्या? प्लस एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा, परसेंटेज टर्म्स में तो मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। तो लिख लो यहीं पे नोटबुक में, बजटरी रेशियोज, बजटरी रेशियोज देखो, पहला लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो, लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो ब्रैकेट में लिखो वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ, ये क्यों लिखा रहा हूँ वॉल्यूम वेरिएंस, याद रखने में आसानी रहेगी कि वॉल्यूम वेरिएंस का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालते हैं भाई अपन? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ओके, रेशियो में आप कहेंगे अब इसको तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोलना पड़ेगा, तो लिखो एक्चुअल आउटपुट। हाँ, फॉर्मूला लिखिए इसका, अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू 100। और अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं है तो स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आर्स इनटू 100। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लिख लो, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आर्स इनटू 100। चलिए इस क्वेश्चन में ट्रायल भी कर लेते हैं। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 16, पूछा नहीं है, जस्ट हाँ भाई, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आर्स इनटू 100 निकालो भाई, कितना परसेंट हुआ? 1063%। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो। सेकंड फॉर्मूला लिखो, कैलेंडर रेशियो, कैलेंडर रेशियो। हाँ, इसका फॉर्मूला लिखिए, एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज इनटू 100। एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज इनटू 100। ठीक है, थर्ड, हाँ इस क्वेश्चन में तो है नहीं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, मतलब हमने हमारी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। हाँ, फॉर्मूला लिखो, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज। हाँ, कैपेसिटी का फॉर्मूला यही था अपना, बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स। हाँ, और अगर कैलेंडर नहीं हो तो बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज कहो चाहे बजटेड आवर्स कहो, एक ही होगा। हाँ, वापस बोल रहा हूँ, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स 4130, बजटेड आवर्स एक्चुअल डेज वाले तो है नहीं क्योंकि कैलेंडर नहीं है भाई। ये वाला फॉर्मूला तो कब काम आएगा? कैलेंडर है, कैलेंडर नहीं है तो सिर्फ बजटेड आवर्स ही रहेगा। हाँ, देखो तो क्या आ रहा है भाई, 103.25%। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी एफिशिएंसी रेशियो,
Next, efficiency ratio. उसका फॉर्मूला लिखो. स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100. हाँ, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड वर 4065, एक्चुअल आवर्स 4130 इनटू 100. 98.46% 4 2, ठीक है, 4243 हो गया. ये चार रेशियोज हैं. अगले पेज पे लिखो इंटर रिलेशनशिप. नेक्स्ट लिखिए इंटर रिलेशनशिप ऑफ रेशियोज. इंटर रिलेशनशिप ऑफ रेशियोज, हाँ, रेशियोज का आपस में रिलेशनशिप. तो अपने वेरियंस में रिलेशनशिप क्या था? कैलेंडर प्लस कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी वाज वॉल्यूम. यहाँ पर लिखो लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो इक्वल्स टू, लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो इक्वल्स टू, लिखो कैलेंडर रेशियो इनटू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो. ठीक है, इस क्वेश्चन में ट्राई करें. हाँ, आप कहेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो इज 101.63%. दिस इज इक्वल टू, कैलेंडर तो है नहीं, कैपेसिटी 103.25% इनटू 98.42%. ठीक है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 103.25 इनटू 98.42% कर दो तो 101.63%. अच्छा, आना ही है. ये क्या था? 4065 अपॉन 4000. ये क्या था? 4130 अपॉन 4000. और ये था 4065 इनटू, भाई ये वाले में, फर्स्ट वाले में क्या था? 4130 अपॉन 4000. इसको मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर लो किससे? 4065 अपॉन 4130. ये तो कैंसिल हुआ. फॉर्मूला क्या बचा? 4065 अपॉन 4000. वॉल्यूम में वही तो काम लिया. ठीक है, तो ये बजटरी रेशियोज हैं. हाँ, पर वो उस चैप्टर के बजाय यहाँ सीखना ज़्यादा बेटर है. अब सुनो भाई, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि रेशियो फेवरेबल हुआ एडवर्स हुआ? बहुत सिंपल है. लेस देन 100% इज एडवर्स. कहते हैं भाई, आप कहेंगे कि 80% नंबर ही आए, मतलब 100 में नहीं आए, और 100 से ज़्यादा आने का मतलब फेवरेबल. चेक कर लो 101%. तो ये वाला वॉल्यूम वेरियंस क्या था? फेवरेबल. ये 98%, देख लो एफिशिएंसी क्या था? एडवर्स. याद रखने का तरीका. हाँ, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप फॉर्मूला, हो सकता है आप कहेंगे ऊपर एक्चुअल था नीचे एक्चुअल था, वो कैसे याद रखूँ? कई बार एग्जाम में डाउट आ सकता है कि फॉर्मूला तो याद है. हाँ, कैलेंडर रेशियो डेज. अब बजटेड अपॉन एक्चुअल था, एक्चुअल अपॉन बजटेड था, तो वेरियंस तो आपको बिफिट हो चुका होगा कि 25 की जगह 27 दिन काम किया. फेवरेबल है कि एडवर्स है? फेवरेबल. तो रेशियो में अगर कन्वर्ट करूँ तो आंसर 100 से ज़्यादा आना चाहिए. तो फॉर्मूला क्या लगा दूँ? 27 अपॉन 25 कर दूँ तो अपने आप 100 से ज़्यादा आ जाएंगे. और वैसे अगर आप सारे फॉर्मूले देखो, एक लास्ट वाला एफिशिएंसी छोड़ दो, बाकी सब में न्यूमरेटर में एक्चुअल है, डिनोमिनेटर में बजट है. एफिशिएंसी में उल्टा है, स्टैंडर्ड न्यूमरेटर में है, एक्चुअल डिनोमिनेटर में है. तो लास्ट में एक लिख लो इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज. इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज, देखो भाई, इफ रेशियो इज लेस देन 100%, इफ रेशियो इज लेस देन 100%, लिखो एडवर्स इक्वल्स टू एडवर्स. नेक्स्ट, रेशियो मोर देन 100% फेवरेबल. रेशियो इक्वल टू 100%, रेशियो
इक्वल टू 100%, तो लिख लो भाई नो चेंज, ठीक है। तो होमवर्क में आप 2-3 क्वेश्चंस के रेशियोज निकालना, ठीक है, और फिर इनको क्रॉस वेरीफाई करना। हाँ, कल जो होमवर्क दिया था उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं अब। बोले भाई, क्वेश्चन 14, इसमें आर्स हैं, यूनिट्स हैं, ओवरहेड्स हैं, डेज नहीं हैं, तो कैलेंडर नहीं निकलेगा। बोले भाई, कॉस्ट वेरिएंस 2200, एडवर्स, एक्सपेंडिचर 200, एडवर्स, वॉल्यूम 2000, एडवर्स, कैलेंडर निल, कैपेसिटी 50, दैट्स ऑल, एंड एफिशिएंसी 2050, एडवर्स। क्वेश्चन 15, बोले भाई 250 फेवरेबल, एक्सपेंडिचर, अच्छा सिर्फ कैलेंडर ही पूछा था तो ये वाला है क्या 250। क्वेश्चन 16, 1500 एक्सपेंडिचर, 500 एडवर्स, वॉल्यूम इज 1000, एडवर्स, कैलेंडर है क्या, नहीं है, कैपेसिटी 50, फेवरेबल, और ये इसका वन ऑफ ही है क्या, ये अमाउंट थोड़े बहुत में। चलिए, और कौन सा था, 17, 17 नहीं दिया गया, चलिए 18, बोलो भाई 750 एडवर्स, 1000, 250 फेवरेबल, कैलेंडर है, नहीं है, कैपेसिटी फेवरेबल, एफिशिएंसी 250 एडवर्स, और 19, स्टैंडर्ड 4000 के लिए दिया, एक्चुअल 3800 है। हाँ जी, तो वेरिएबल में तो गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज एक्चुअल, अच्छा आर्स नहीं दिए, मैं आर्स नहीं है, यही प्रॉब्लम है, तो बहुत आराम हुआ। तो आप कहेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड तो बन जाएगा वेरिएबल का, तो 3800 यूनिट्स, यहाँ पे भी यूनिट्स लिख देंगे 3800। हाँ, रेट क्या है पर यूनिट, 3 रुपीस, बराबर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11400, और फिर एक्चुअल। हाँ, जब आर्स नहीं है तो सुन लो भाई, एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं आ सकता, एफिशिएंसी के लिए आर्स चाहिए ही चाहिए, तो आप वेरिएबल ओवरहेड्स, कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे और एक्सपेंडिचर निकालोगे, बस उतना ही होगा, कितना 600 एडवर्स, एक्सपेंडिचर भी 600 एडवर्स, एफिशिएंसी इज निल, क्योंकि आरज़ ही नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजट, एक्चुअल, ओवरहेड्स, यूनिट्स, डेज, आरज़ नहीं है, तो आप कहेंगे अब हम क्या करें, तो देखो भाई ओवरहेड्स कितना था, 40, 39, यूनिट्स 4000, 3800, डेज 20 का 21, और आर्स है नहीं। हाँ, तो आप कहेंगे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, कैलेंडर निकाल लेंगे, अब कैपेसिटी एफिशिएंसी तो फिर है नहीं, तो बचा हुआ फिर बैलेंसिंग फिगर कैपेसिटी ही मानेंगे। हाँ, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूँ, अभी तक तो अपन कैपेसिटी किस में निकाल रहे थे, आर्स में, अब यहाँ पे कैपेसिटी मैं किस में निकाल दूंगा, यूनिट्स में। देखिए 20 दिन में हमारी कैपेसिटी थी 4000 यूनिट्स बनाने की, ओके, तो 21 दिन में हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई थी,
यू विल से 4000 यूनिट्स वॉज फॉर 20 डेज, तो 21 दिन में कितने यूनिट्स बन जाने चाहिए थे और हमने कितने यूनिट्स बनाए? 3800 इंटू रेट पर यूनिट 10 रुपीज़, 4000 एडवर्स। और कैलेंडर में आप क्या करोगे, 20 की जगह 21 दिन काम हुआ इंटू रेट पर डे 2000, तो ये क्या आ जाएगा, 2000 फेवरेबल। और वॉल्यूम वेरिएंस, 4000 की जगह 3800 यूनिट बने इंटू 10 रुपीज़, 2000 एडवर्स। हो गया मैचिंग। अब आप इसका नाम चाहे कैपेसिटी दो, एफिशिएंसी दो, सब एक ही है। रीज़न आर्स नहीं, आई डोंट नो ये कैपेसिटी कारण हुआ कि एफिशिएंसी कारण हुआ, क्योंकि अगर 21 दिन मिले मुझे तो इतने यूनिट्स बन जाने चाहिए थे, यूनिट्स इतने ही बने। यूनिट्स कम बनने का कारण या तो हमने कम टाइम काम किया तो कैपेसिटी हो गया, स्पीड धीरे थी एफिशिएंसी हो गई, तो इसका कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन हैज नॉट गिवन यू आर्स। बट रूल सिंपल है, आर्स नहीं हो एफिशिएंसी को भूल जाओ। और कौन सा था, इतना ही था। चलो अब लिखो क्वेश्चन 20, और बीच में कौन सा रह गया था, 17। हाँ 17 में भी थोड़ा दिमाग लगा लेना, और क्लास असाइनमेंट वाला मैंने आपको बोला था अभी, 14, 13 भी लिख लो। फिर एक 17 क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट वाला, इसमें स्टैंडर्ड एक्चुअल दिया है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, ये समझ लो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ठीक है।